हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाय दोस्तों, मैं अविंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि नेटवर्क तो सभी को पता है कि आजकल रिचार्ज महंगे कर दिए हैं। जियो ले लो, चाहे VIP ले लो, चाहे एयरटेल, इनके मुकाबले ये सभी एक से चढ़ के एक अपना रेट बढ़ाते जा रहे हैं दिन पे दिन, प्रतिदिन। बहुत से मेरे दोस्त, मेरे मित्र ऐसे हैं जो रिचार्ज भी नहीं करवा पाते, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है। तो आप BSNL से जुड़ सकते हैं। जिनके लिए, जिनको ज़रूरत नेटवर्क की स्पीड की ज़रूरत है ज़्यादा, तो मैं तो उनको ये नहीं कहूँगा कि वो BSNL से जुड़ें, पर मेरा मानना है कि अगर वो जुड़ जाते हैं तो उनको फ़ायदा होगा। जो नेटवर्क यूज नहीं करते, एंड्रॉयड मोबाइल यूज नहीं करते, स्मार्टफोन यूज नहीं करते, जो कीबोर्ड मोबाइल यूज करते हैं, उन सभी के लिए सुनहरा मौका है। वो BSNL का सिम लें और उसमें अच्छे खासे छोटे से छोटे प्लान हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, 108 रुपये से लेके जैसे भी आप करवाना चाहें अपने हिसाब से करवा सकते हैं। तो जो नया सिम कोई लेता है या MNP करवाता है, तो उसके लिए कुछ खास आपको चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। 100 रुपये का पे करना होगा, उसमें पोर्ट भी हो जाएगा, 60 दिन के लिए आपको वैलिडिटी मिल जाएगी, कॉलिंग अनलिमिटेड, 100 मैसेज पर डे, साथ ही साथ आपको 2 GB डाटा मिलता रहेगा। अगर जो मेरे दोस्त पोर्ट करवाना चाहते हैं या सिम लेना चाहते हैं BSNL का, तो मैं ऊपर स्क्रीन के ऊपर इसका मोबाइल नंबर दे दूंगा अपना, उससे कॉन्टैक्ट कर लें, हमारी शॉप पे आके मिल लें और जिसको सिम चाहिए वो ले जा सकता है। अदरवाइज किसी को MNP करवाना तो वो भी करवा सकता है, सेम रेट है, 100 रुपये चार्ज है एक सिम का, ठीक है। नेटवर्क ऐसा इतना खास बुरा नहीं है। अगर जो कॉलिंग पे अगर कोई यूज करना चाहता है ना पर्सन, तो उसके लिए तो एकदम दी बेस्ट है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि मैं खुद यूज कर रहा हूँ BSNL का, कॉलिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉल यूज करते हैं लोग बाग, उनों के लिए तो अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, वो BSNL को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अदर नेटवर्कों की, वो तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। आप उन लोग नेटवर्क की अगर बात करें तो आप रिचार्ज नहीं करवा पाएंगे। पहले चलो ठीक है, 199 का था जियो का, अब आप देख लें उसमें 239 का हो चुका है, ठीक है, तो सीधे 40 रुपये बढ़ा दिए हैं, GST बढ़ा दिया है, ठीक। सभी रिचार्ज बढ़ रहे हैं GST के साथ साथ, आप देख लें आपको जैसा लगे आप उस हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि रिचार्ज इतने और कंपनियां जो अच्छे नहीं दे रही, बाकी आप अपने हिसाब से BSNL को यूज कर सकते हैं। BSNL एक अच्छा नेटवर्क है, इतना आप इसके मुकाबले, दूसरों के मुकाबले तो हम नहीं कर सकते, बाकी इतना बुरा नहीं है कि आपको कॉलिंग की सुविधा बहुत अच्छी देगा, आपको नेटवर्क की भी अच्छी सुविधा है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आप कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग है जो अच्छी कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी भी इतनी बुरी नहीं है, आप एक बार यूज करके देखें। अगर आपको पसंद नहीं आती है, अगर BSNL का नेटवर्क या सिम नहीं आता है, तो आप दोबारा से उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, पोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ, सुझाव देता हूँ कि जिनको चाहिए वो एक बार ज़रूर नेटवर्क में इसमें जुड़ें, अगर क्या पता ये आने वाले फ्यूचर में एकदम आपके लिए बढ़िया। और फिर दूसरी बात ये कि ये भी 4G होने वाला है, सरकार ने ऐलान कर दिया है कि ये 2022 में 4G हो जाएगा, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ग्राहक जुड़ेंगे, ठीक है, विश्वास करिए, मानिए, यकीन करिए, गवर्नमेंट है जो कुछ ना कुछ नया लेके आएगी। बाकी इसके जो रिचार्ज हैं वो आपने देख ही लिए हैं कि कितने सस्ते दामों में आपको रिचार्ज अच्छे मिल रहे हैं, आप दूसरों के मुकाबले इसमें ज़्यादा आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्राइस कम है, चार्ज कम है। आप अगर 249 का कराएंगे तो इसमें 60 दिन का मिलेगा, ठीक है, और उसमें सिर्फ कितने का मिल रहा है, 1 मंथ का, इसमें 2 GB मिलेगा, उसमें 1.5 GB मिल रहा है, ठीक है। स्पीड इसमें इतनी बुरी भी नहीं है, अच्छी स्पीड देगा ये आपको, ठीक है। तो आप ज़रूर एक बार अगर लेना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर लें, मैं नंबर डिस्प्ले पे दे रहा हूँ, आप मुझसे सिम लेना चाहें या MNP करवाना चाहें करवा सकते हैं, ठीक है। और आप पोर्टिंग की बात करें तो इसमें कोई खास दस्तावेज नहीं है, जैसे ही आप सेम दूसरे लेते हैं आधार कार्ड से सिम, इसमें एक्टिवेट होने के जो समय है वो 4 से 5 घंटे, अगर नया अब सिम कनेक्शन लेते हो, अगर पुराना ही कोई आप नंबर रखना चाहते हो और उसको MNP करवाना चाहते हो, उसमें 4 से 5 दिन लग सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, आप जुड़ें, इंजॉय करें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। मैं कुछ ना कुछ डालता रहूँगा BSNL के से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो और नेटवर्क के बारे में कि कैसा चल रहा है, क्योंकि मैं खुद यूज कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मुझे परेशानियाँ आएंगी या मुझे कुछ अच्छा मिलेगा तो मैं वैसे ही आपको बता दूँगा। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।
हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।